Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening. Jahan jahan subh wahan subh ka salam aur jahan jahan sham wahan good evening. Ji kaise hain aap log? Short team of two tea talk mein aap kadam rakh chuke hain aur isi din ki isi sham isi waqt yani Thursday ki sham hum aapke samne aate hain short team of two tea talk lekar. बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नजर फिर से किया जाएगा जैसा कि हमेशा होता है. और आज क्या क्या बातें करेंगे, किसकी क्या लड़ाई हो रही है, किस घर में क्या लड़ाई हो रही है जी ये भी बताएंगे आपको. सोचें किस घर में क्या लड़ाई हो रही है और जिसको कि पूरी दुनिया जानती है. अच्छा, इस पे बात करेंगे हम. इसके अलावा कुछ और मजे मजे की बातें करेंगे. बहरहाल खूबसूरत वेदर है, पार्टली क्लाउडी है और कभी धूप कभी छांव होता रहा सारा दिन. और इस वक्त तो खैर धूप की तो कोई बात ही नहीं है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है, कभी बादल और कभी मतला साफ. हम इस वक्त शो टीम ऑफ टू टी टॉक में मौजूद हैं, आपके लिए आए हैं. हम कौन है? आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी. द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए लेकर आए हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक. तो हम कहेंगे कि वेलकम वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. आइए चाय पे बातें करते हैं. जी अहमद अरशाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं ताकि बातें की जा सकें, क्योंकि चाय पे बातें की जाती हैं. खाने पे नहीं बुलाया हमने आपको इसीलिए क्योंकि मना किया जाता है कि खाने पे बातें नहीं करनी चाहिए. तो हम तो बातें करने आते हैं, तो चाय पे आते हैं. जी बिल्कुल, शो टीम ऑफ टू टी टॉक. यूट्यूब चैनल शो टीम ऑफ टू टी टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है शो टीम ऑफ टू टी टॉक में. और जहां भी हमें कोई अवेयरनेस मिलती है हम नोट बना लेते हैं. आज हमने अपने टी टॉक के साथियों से चाय पे बातें करते वक्त ये शेयर करना है, शेयर करते हैं हम आपसे बातें. बहर बातें बहुत सारी हैं लेकिन पहले हम अहमद से सामना कराएंगे, फिर वापस बातें ही बातें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग वेयर एवर इट इज मॉर्निंग. यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक. अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. तो जनाब आज एज हज़्ब-ए-वादा हज़्ब-ए-दस्तूर और एज यूजुअल हम आपके साथ फिर हाजिर हो चुके हैं टी टॉक लेकर के. और आप हमारे साथ, हम आपके साथ. ये प्रोग्राम आप हफ्ते में दो दफा, जब थर्सडेज को जब आप देखते हैं वो शाम को 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और सैटरडेज को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइमिंग्स है ये. तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बताइए We are on for you on Tea Talk. तो Tea Talk में बड़ी मजेदार बातें, मालूमात और ग्लोबली लोकली सब तरह से हम आपको कवर करने की कोशिश करते हैं. और जनाब ये सोशल मीडिया भी क्या चीज है, वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियोज. छोटा सा स्टूडियो हमारे जिसमें बैठे और पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है कि कॉलें आती हैं आप लोगों की, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स, ईमेल्स, दे ऑल मेक अस कीप कमिंग बैक एंड बैक एंड बैक अगेन एंड वी आर विद यू. अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से साथ हमारा, आप दूसरे के साथ, हम दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे. और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपने पसंद किया तो चलता रहेगा. तो आज के प्रोग्राम में भी एज यूजुअल बहुत सी अच्छी बातें होंगी और आपको रियल इस्टेट हाईलाइट जरूर देखना है. रियल इस्टेट हाईलाइट्स में हम आपको बताएंगे कि आज की मार्केट में, रियल इस्टेट मार्केट में क्या हो रहा है. अब तक जो कुछ भी हमने आपको बताया एक्सपीरियंस की बेस में काफी हद तक हम सही साबित हुए और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर मालूमात जो कुछ भी होगी
हकायक पर मबनी आपसे बातें की जाएंगी। तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज में, हमारे स्टूडियोज का नंबर आपको मालूम है ना, 647-273-2393, 647-273-2393 इज आवर स्टूडियोज नंबर। और इसी तरह से अगर आपको स्टूडियोज के बाद हमें कॉल करना है तो बड़ा नंबर बहुत आसान सा है, काफी अच्छे से आप जानते हैं, 416-704-0651। शो टीम ऑफ टू के बाद एक घंटे के बाद आप हमें उस नंबर पे कॉल करें, 416-704-0651 फॉर ऑल काइंड ऑफ योर रियल एस्टेट नीड्स एंड सर्विसेज। और तकरीबन 30 इयर्स तो मुझे हो गए इस बिजनेस में और ओवर 20 इयर्स शहरा जाफरी को, तो हम साथ साथ चले जा रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है किसी तरह से जुड़े रहे। नाउ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 13 अगस्त को आना मत भूलिएगा 14 अगस्त के इंतजार के लिए। 13 अगस्त को शाम 4 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और इंतजार करेंगे हम 14 अगस्त के आने का, जस्ट लाइक न्यू ईयर। और वर्ल्ड का पहला तराना, पहला जनाब कौमी नगमा जो है, और पहला केक काटा जाएगा, लड्डू मिठाई तहफ आप लोगों की नजर किए जाएंगे, जरूर आएगा। मजीद मालूमात के लिए शाला जाफरी मौजूद है ना, आपको पूरी डिटेल देंगी। तो जनाब लेट्स गो बैक टू शाला जाफरी, लेट्स सी व्हाट शी इज गोना से। यस, व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से अ लॉट, क्योंकि मैं तो बातें करने आती हूँ आप लोगों से। जी मैंने कहा था ना कि हम ये बताएंगे कि दुनिया के जाने पहचाने लोगों में किस बात पे लड़ाई हो रही है ना, ये हम आपको बताएंगे। आप सोच सकते हैं घरेलू लड़ाई हो रही है, कोई ऐसे बुरी सी लड़ाई नहीं, अच्छी वाली लड़ाई है। ये क्या है, अच्छी वाली लड़ाई क्या है, बताइए मुझे अच्छी वाली लड़ाई क्या है। यानी आज मैं लेकर आई हूं गुड फाइटिंग ईच विद ईच अदर, एक घर में एक अच्छी लड़ाई हो रही है। कैसे, आई डोंट नो कि मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को। आप लोग बता सकते हैं कि मैं कैसे समझाऊं कि अच्छी लड़ाई क्या है, सोचिए जवाब दीजिए। फिर जिनको दुनिया जानती है उनकी सेहत के बारे में मेक श्योर किया जा रहा है, ये तो आप बूझ ही लेंगे कि कौन है, क्या है, कहाँ है, अच्छा, और कौन से इंजेक्शंस का इस्तेमाल हैप्पीली हो रहा है और कहाँ हो रहा है। आज का प्रोग्राम जो है ना, सोचने में गुजार दें कि मैं क्या लाई हूं। हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए और सस्पेंस के साथ प्रोग्राम जो है ना उसमें ज्यादा मजा आता है। और जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, वो अपने लोगों को कह दें, अपने लोगों को कह दें कि फेसबुक लाइव जो हम कर रहे हैं शो टीम अप टू टी टॉक को ज्वाइन कर ले। अच्छा, तीन बातें मैंने आपको बता दी है ना। इनमें से कोई भी एक बात अगर आप जान सकते हैं तो जरूर जानें, लेकिन एक बात मैं आपको पहले से ही बता दूं कि प्रोसेस फूड जो है ना वो हमें मौत के करीब ले जाता है। इसलिए मैंने आपको ये खबर सबसे पहले सुनाई है। नहीं, अच्छा अभी नहीं बताते, हम ये बताएंगे, ये बहुत अहम है, और लोग भी हमसे जुड़ जाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13th हमेशा की तरह अगस्त 13th को मेपल बैंक्वेट हॉल में सिसागा में हो रहा है, और इसमें आपके बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल का भी इंतजाम किया गया है। तो आप और हर कम्युनिटी इसमें वेलकम है। सेलिब्रेशन पाकिस्तान डे की है, बट एवरी कम्युनिटी इज वेलकम, बींग अ वेंडर, बींग अ स्पॉन्सर, बींग अ विजिटर, बींग अ सेलिब्रेटर।
आज क्या क्या लव्स आ रहे हैं मेरे पास। तो जनाब यही कहूंगी मैं आपसे कि इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मेपल बैंकुट हॉल मिसिसागा अगस्त 13th बिल्कुल हम ये शो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि इसमें बच्चे बड़े और बुजुर्ग सब इसमें शामिल हो सके। जबरदस्त सेलिब्रेशन है। अगर आपने बिजनेस की प्रमोशन एग्जीबिशन और सेल चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें स्टॉल बुकिंग स्पॉन्सरशिप के लिए 6472732393 पर। जी जनाब ये नंबर तो आपके दिलो दिमाग पे लिखा होना चाहिए क्योंकि सारे साल टीम ऑफ टू के जो इवेंट्स चलते हैं उनका यही नंबर होता है। जी ऐसे ही है और बहुत से लोग इसका बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की परफॉर्मेंसेस बच्चे हिस्सा लेते हैं पाकिस्तानी हवाले से प्रिपरेशन करके लाते हैं और बच्चों की परेड होती है बच्चों को इनामात दिए जाते हैं और केक काटा जाता है काउंटडाउन के साथ और बहुत जबरदस्त वहां पर आपके लिए मनोरंजन का प्रोग्राम भी हो रहा है जो टोटली पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट होगी। आइए हमारे साथ मिलकर नारे लगाइएगा वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के। जी अहमद हम चलते हैं ब्रेक की जाने और उसके बाद हम वापस आएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने तो मिस कर दिया। उससे पहले मैं बता दूं कि हसन सफदर साहब आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अशफाक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिएगा हम फौरन हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के साथ। वेलकम। Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko haqeeqat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey 416-704-0651. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day is a rat race. All in a day's work. वेलकम बैक। जी बिल्कुल आपने देखा कि हम जल्दी से क्विक ब्रेक पे वापस आ गए। जनाब ब्रेक से वापस आके ही साथ मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत अच्छे हमारे दोस्त हमारे साथी इंतहाई टैलेंटेड और जिन्होंने हमारा वेरी फर्स्ट कमर्शियल भी बनाया। अच्छा जनाब जी आतिफ स्मिथ साहब आ चुके हैं। थैंक यू आतिफ फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप सबको इन्वाइट करूं इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में जो कि 13 अगस्त को मेपल बैंकुट हॉल में होगा। तशरीफ जरूर लाएगा आप सब लोग। शाम को 4 बजे अच्छा। प्रोग्राम शुरू होगा। हम सब इंतजार करेंगे 14 अगस्त के आने का केक काटने का और कौमी तराना सुनने का और 14 सेकंड के साथ उसका जो इस्तकबाल करेंगे 14, 13, 12 काउंटडाउन जो होगा क्योंकि इट्स अ काउंटडाउन
तो वील डू द काउंटडाउन फ्रॉम 14 बिकॉज 14 अगस्त को ये बना था तशरीफ लाएगा. ये मेरी तरफ से आप सबको दावत है जनाब. उसके साथ आतिफ साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे. अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू. हाउ आर यू आतिफ? एवरीथिंग ओके? ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है. और हम यकीनन आप सफर को एंजॉय कर रहे होंगे. मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया. आज आपने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया. आई नो मेरी एंजॉयमेंट क्या थी जनाब? गार्डनिंग. 2 to 3 hours I spent on the gardening and I enjoyed it. Then उसके बाद मेरा real estate का appointment था, commercial appointment था और अभी सागर में था. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया appointment. वहां से आया हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने rest किया है. rest करने के बाद बस फिर आपके सामने हाजिर हो गए. देखिये अहमद, ये तो बेमानी हो गई. मैं बता रही थी कि मैंने कैसे समर एंजॉय किया और आपने जल्दी से आप आ गए कैमरे पे और आपने कहा कि मैंने क्या किया. जनाब आतिफ स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, बड़ी प्यारी बात की आपने. थैंक यू आतिफ, बिकॉज यू नो इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रियली इसी वजह से हम लोग हर साल कर रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए. कह रहे हैं कि योर आजादी शो इज लेजेंडरी. थैंक यू सो मच. दिल का शो है वो, हमारे दिल का शो है वो. और आप जैसे डिग्निटरीज लोग जो है उनके लिए हम करते हैं. बिल्कुल. अच्छा अहमद, आप स्टूडियो में नहीं थे जब हमने कुछ बातें की. अब बातें ये की हमने, 3-4 चीजें बताई कि आज हम किस पे बात करेंगे. एक तो हम आज हेल्दी लड़ाई. हम मैंने कहा था ना कि भाई जंग हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है और किसी घर में हो रही है, लेकिन अच्छी वाली लड़ाई. हाँ, अच्छी लड़ाई क्या होती है अहमद? अच्छी लड़ाई वो होती है कि जी बस वो कहते ना जी हुजूर में इक्के मार. नहीं, दूसरे हमने कहा और जिनको दुनिया जानती है उनके यहाँ लड़ाई हो रही है, बट अच्छी वाली लड़ाई हो रही है. फिर हम किसी की सेहत के बारे में आजकल बड़ी बातें की जा रही है जिनको दुनिया जानती है, ठीक है. और इसके अलावा एक खास लोग जो है ना अपने सुइयां चुभवा रहे हैं, लगवा रहे हैं. किस मकसद से लगा रहे हैं आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे. पता तो होगा लेकिन जितना ज्यादा हो रहा है ना उससे आपको होगा. फिर मैं तीसरी बात, क्योंकि अब हमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है. हाँ अच्छा, हमने बात शुरू की थी, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताएं कि हमारा ये शो टीम ऑफ टू टी टॉक हम के लिए हमारा जो स्टूडियो है वो कनाडा ऑन्टेरियो के सिटी ब्रैम्पटन में हार्ट लेक में है और बहुत खूबसूरत जगह है. जहां पर आप विजिट करेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे. बहुत खूबसूरत हसीन जगह, अच्छे मौसम के साथ. इस वक्त 25 डिग्रीज है लेकिन फील्स लाइक 30. ये क्या बात है. तो 30 डिग्रीज ही कह देना. 65% ह्यूमिडिटी है और नॉर्थ की 22 किलोमीटर पर आवर पे हवा चल रही है. अगर इसमें जरा सी भी अहमद वेस्ट की हवा शामिल हो जाती ना तो ये बहुत ठंडा हो जाता, इसीलिए ठंडा नहीं हुआ इतना. जनाब और सूरत से हमारी मुलाकात कल जो होगी वो होगी 5:48 पे. सब कुछ तो आपको बता दिया, अब और क्या बताएं. अच्छा एक, अब हम ये बात कर रहे थे, सबसे पहले मुझे इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर करूं आप लोगों से, ठीक है. और वो बात ये थी कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तमाम प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इवन नमक और चीनी भी प्रोसेस होने लग रहा है, मगर कहा यह जा रहा है. खैर उनके बारे में तो इतना नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो आम लोग रेस्टोरेंट बाहर केटर करवाते हैं या ऑर्डर करवाते हैं, होटल में बैठ के खाते हैं, डिलीवर करवाते हैं, जो प्रोसेस फूड है उनमें वो मौत से करीब ले जा रहे हैं. यानी कि वो आपकी जिंदगी को कम करना चाहते हैं. तो मैं बहुत पहले से आपसे कह रहा हूँ शैला कि ये देखिए प्रोसेस फूड जो है तो, और उन्होंने एक नंबर भी बताया है, ये मैंने बखदा इसको याद किया कि मैं अपने प्यारे साथियों से शेयर करूं कि कम से कम 10% कमी हो सकती है उम्र में अगर आप प्रोसेस फूड को कम नहीं करेंगे और उसका इस्तेमाल ज्यादा करते चले जाएंगे. और इसलिए मैं ये वार्निंग दे रही हूँ फ्रॉम शो टीम ऑफ टू टी टॉक.
और कि प्लीज इस तरह के खाने ना खाए जाएं, घर में पकाए जाएं, असली स्पाइसेस से बनाए जाएं, और दाल चावल सालन रोटी ये सब कुछ घर में बना के खाएं। खाना वही मिलता है बाहर जो हम खाते हैं, उसी को हम घर में बनाएंगे तो हमें पता है कौन सा ऑयल है, हमें पता है कौन सा नमक है। हाँ, फ्राइज भी बना सकते हैं हम घर में। तो आई मीन हाँ, आपने बड़ी सी बात की है, आपने कहा सूरत से मुलाकात होगी। अगर आप कहते हैं कि चांद से मुलाकात हो तो आप कहते हैं कि चंदा मामा से मुलाकात होगी। ये चंदा मामा चांद से तो रिश्तेदारी कर ली गई, हाँ। ये सूरज से रिश्तेदारी क्यों नहीं की? सूरज को क्या कहा जाता है? सिर्फ सूरज? एक्चुअली सूरज जब बहुत गुस्से की चीज लगता है मुझे, तपिश, इसलिए उसको कोई रिश्ता नहीं दिया लोगों ने। उस कहा है सूरज की तपिश। अब आप बताइए कि इस तपिश को हम क्या रिश्ता दें? अच्छा अच्छा जी, चल मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग बताएं, आप कभी गलत कहते हैं। आप लोग बताएं, मैंने ये कहा जब चंदा मामा बाहर निकलते हैं तो एक ठंडक आती है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी, लेकिन जब सूरज आता है तो एक तपिश आती है, लेकिन वो एक नए दिन का आगाज भी होता है। हाँ यार, लेकिन पूरी दुनिया को उसने देखिए जगाया, पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई, काम बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन रिश्तेदारी सिर्फ चंदा मामा से ही है। ठंडक। अच्छा, आमिर चीमा साहब ने भी हमें जॉइन, थैंक यू सो मच। सर नाइस ऑफ यू। शो टीम ऑफ टू टी टॉक, अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे बुलाया है। जी, चाय पे बुलाया है। और जब हमारा शाम को शो होता है थर्सडे की शाम को, तो मैं ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, इस तरह की कोई चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उस वक्त वो पीना। लेकिन जब हम सैटरडे को करते हैं तो समटाइम्स मैं बड़ी कड़क चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि ताकि हम भी जगे रहें और आप लोगों को भी जगाते रहें। अच्छा, लड़ाई हो रही है, जो मैंने कहा कि एक हेल्दी लड़ाई हो रही है, घर में लड़ाई हो रही है, सारी दुनिया उनको जानती है। जनाब प्रिंस विलियम एंड प्रिंसेस केट की लड़ाई हो रही है, और वो इस बात पे बहस चल रही है। एक्चुअली लड़ाई नहीं हो रही, बहस को ही लड़ाई कहा जाता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जॉर्ज उनके बड़े बेटे हैं, उनको अब सेकेंडरी स्कूल में जाना है, और वो केट मुस्तकिल लड़ाई झगड़ा कर रही हैं विलियम से कि मैं, ये ऑल बॉयज स्कूल है। अच्छा, वहां यूके में ये बहुत ट्रेंड है, ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स। अच्छा, आतिफ स्मिथ साहब को पैगाम दे दीजिए। हाँ जी, वो तो चलता रहेगा केट और उनके बेटे। नहीं, चलाना है, दोस्त बताना है। मोस्ट द मून मे बी द मोस्ट रोमांटिक, हाँ, बट द सन राइज and sunset are the two most beautiful times I know of the day. Okay, yes, are the top for me. Which are attributed to the sun. हाँ, लेकिन कोई रिश्ता तो दे दें आप उस सन को। किस रिश्ते से पुकारेंगे? आपने बिल्कुल 100% everything is good सही बोला है, और अच्छा एक्सप्लेन किया। मगर अगर रिश्ता दिया जाए, कोई उनको किसी रिश्ते से पुकारा जाए, तो क्या रिश्ता पुकारेंगे? चंदा मामा। हाँ हाँ, आप बताएं ना मुझे कि वो क्या रिश्ता होगा। चंदा और मामा, चंदा मामा नहीं होगी। मून इज अ मेल, आई मीन हम बोलते ऐसे ना कि जैसे वो मेल है, सूरज भी है और चांद, लेकिन आतिफ मुझे बताओ कि क्या रिश्ता बनाना है सूरज से? क्या बनाना है? दुल्हा भाई बनाना है, या चचा बनाना है, या जेठ बनाना है? क्या बनाना है हमें सूरज को? आप ये मेल फीमेल कहां से रहे? हमें नहीं पता। अब आप हमें इसी पे रहने दो। अच्छा, कोई मुझे बताए, प्लीज मुझे कोई बताए कि अगर सूरज को कोई रिश्तेदारी दी जाए तो वो क्या रिश्तेदारी होगी? अच्छा, बताए आप स्टिच से साइमा अगर हमारे साथ होती इस वक्त, तो वो जरूर हमें कोई इनपुट देती इस बारे में। नहीं, नहीं, अगर वो अच्छा, कनेक्ट हो गई। अच्छा लिखा है, वेरी नाइस। किसने लिखा है? आतिफ। हाँ हाँ, लेकिन आतिफ प्लीज आज मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी करो, कोई रिश्ता दे दो सूरज को। okay. अच्छा, ये बात हो गई जनाब। तो
तो बात ये हो रही थी कि अब वो बच्चे जैसे कि हमारे घरों में होता है ना, इस स्कूल में जाना है, हमारी बेटी जो भी डॉक्टर बनी हुई है, जब वो हाई स्कूल में जा रही थी तो फिर हमने सोचा कौन से हाई स्कूल में हम उसको डालें, फिर हमने उसको जहां देखा कि अच्छी पढ़ाई होती है, माहौल अच्छा है अपनी नजर में हमारे, हमने उसको वहां, तो इसी तरह से देखिए चाहे वो क्वीन हो, किंग हो, प्रिंस हो, प्रिंसेस हो, सब जगह एक रिश्ते, एक जैसे रिश्तों में एक जैसे एहसास, एक जैसा प्यार, एक जैसे ख्याल होते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग, यस। तो उनमें ये हो रहा है और केट जो है ना वो बहुत नाराज है आजकल, कहती है कि नहीं, और वो चाहते हैं कि जिसमें वो गए प्रिंस विलियम और उनके छोटे भाई हैरी उसी स्कूल में वो पढ़े। लेकिन उसकी एक वजह बताइए, देखिए ना माँ बाप हर तरह से सोचते हैं, क्योंकि केट जो थी ना वो खुद ओनली गर्ल्स स्कूल में गई थी और कहने लगी मुझे ऐसा लगा कि वहां पर ना बुलिंग बहुत होती है, जो एक्सक्लूसिव होते हैं ना ओनली बॉयज या ओनली गर्ल्स के, उनको उनके अंदर ये एहसास है, कहते हैं कि मैंने, कहती हैं कि मैंने बुलिंग की वजह से, बुलिंग का सामना किया और बुलिंग की वजह से मैंने वो स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में गई होंगी, अच्छा मिडिल स्कूल में उनके साथ ऐसा हुआ। तो बहरहाल ये हेल्दी लड़ाई थी। अच्छा, और दूसरे वो ये कहती हैं कि क्योंकि प्रिंस विलियम ये कहते हैं, सॉरी अमन मैं भूल जाऊंगी, इसको कंप्लीट करना है, प्रिंस विलियम ये कहते हैं कि हमें जो है ना इकोनॉमी और इंसानियत और इन सारी चीजों के साथ हम लोगों को काम करना है, उनके नजरियात बहुत अच्छे हैं हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के, उनके अंदर दिल, रहम दिल है वो लोग बहुत, और गरीबों के लिए भी बहुत दिल उनका वो होता है कि उनको दिल करता है कुछ करें, तो उसके लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, और वो ये भी कहती हैं कि उसकी जो फीस है वो बहुत महंगी है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो 53,000 pounds से भी ऊपर है साल के, तो इसलिए वो ये कहती हैं कि हमें ये पैसे बचाने चाहिए और दूसरों के काम आने चाहिए। तो दिस इज अ गुड थिंग कि देखिए कि दूसरों का एहसास है इतने ऐसे लोगों में जो कि रॉयल फैमिली से हैं, तो अच्छे लोग जो हैं वो अच्छी बातें करते हैं। जी जी, कोई रिश्ता आया सूरज का? नहीं अभी तक तो कुछ कोई रिश्ता नहीं आया सूरज का। अच्छा, अब हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि इंजेक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों का ख्याल, ध्यान आप लोगों का गया होगा कि अच्छा ड्रग्स यूज हो रही है ना, बड़ा मसला बना हुआ है। हाँ, लेकिन ये कहा ये जा रहा है, सिमी राहिल एक ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा है, एक्ट्रेस है, और उन्होंने ये कहा कि एक कहती कहा जा रहा है कि एक उन्होंने इंकशाफ किया है, और वो ये मैंने उर्दू पॉइंट से ये चीज ली और मुझे अच्छी लगी उर्दू पॉइंट की ये खबर के उन्होंने अवेयरनेस के हिसाब से ये दिया, और उसमें ये कहा उन्होंने रंग परस्ती का रुझान, यानी कि इसको बड़ा बैठ के मैंने इसका मतलब निकाला, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया रंग परस्ती का रुझान, यानी कि गोरे रंग को पसंद किया जा रहा है, ठीक है, और उस जिन लोगों का रंग कम होता है वो एहसास कमतरी में होते हैं, तो उसके लिए किस तरह की, हाँ तो उसी के ऊपर बात हो रही है कि जितनी इंडस्ट्री है ना उसके, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग गोरे हो चुके हैं और वो इंजेक्शन लगा लगा के गोरे हुए। देखिए भाई, अल्लाह ताला ने तुम्हें जैसा बनाया यार वैसे रहो, ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत है, कैंसर, स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री के लोग आपको एक्टर एक्ट्रेसेस जो गोरे नजर आते हैं और बड़ी अट्रैक्शन उनके स्किन में नजर आती है, वो इस तरह से नजर आ रहे हैं आपको, विच इज वेरी डेंजरस, इतना काम करने वाले, इतनी दौलत कमाने वाले लोगों के लिए ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत सा, कुछ लोग कहते हैं ड्रामा इंडस्ट्री खराब कर रही है माहौल को, कुछ लोग कहते हैं, मैं कभी कभी कुछ ऐसा देख लेती हूँ तो मैं कहती हूँ सबक सिखाते हैं, तो अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो आप लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और ये रंग गोरा काला क्या है, जैसा अल्लाह ने बनाया है आप खुशी खुशी जिंदगी गुजारे, आमीन। जनाब हमें नदीम अकबर खटाना साहब ने भी अच्छा ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो टीम ऑफ टू टी टॉक को ज्वाइन किया, जी सो वेरी मच। चाय का सिप जब मैं लेती हूँ ना आप लोगों के साथ बैठ के, मुझे बहुत मजा आता है,
और मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें हमें तो चाय के कप के साथ करें, क्योंकि आपको अहमद इरशाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू चाय पे बुलाते हैं और चाय पे बातें करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, एक अवेयरनेस देनी है मुझे, मैं भूल जाऊंगी, कि लिस्टेरिया बैक्टीरिया के होने की वजह से सिल्क की जो मिल्क प्रोडक्ट है, सिल्क मिल्क यानी के ये है आपका आलमंड मिल्क, कोको एंड आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, इन सब को जो है ना रिकॉल किया गया है, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरियाज मिल रहे हैं। अगर आपके जून और जुलाई की जो खरीदारी है उसमें अगर आपने किया है तो आप उसको फेंक दें या वापस कर दें, जो भी आप जाके साइट पे ये पता कर लीजिए। आज की कुछ मुलाकात जो अचानक हो जाती है लोगों से, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर ब्रेक पे जाना चाहते हैं तो हम वी कैन गो ऑन द ब्रेक एंड विल गो एंड इनवाइट आवर क्या कहते हैं अपने स्पॉन्सर्स जो उनको इंट्रोड्यूस कराना। जी, पहले तो मैं संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म के बारे में बात करूंगी, के पर्सनल टैक्सेस हैं, कॉरपोरेशन है, छोटा बिजनेस है या आपका ऑडिट है, हर तरह के काम वो करेंगे आपके, और जहां भी आप मौजूद होंगे वो आपके ये काम करके देंगे। बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल स्टाफ है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज ऑफिस का सेटअप है, आप जरूर इनकी खिदमात लीजिए। 9057908585 इनका नंबर है। और रियल एस्टेट के हवाले से अहमद इरशाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपने कॉल करना है 416-704-0651 पे। और तमाम रियल एस्टेट के हवाले से हालात अभी हम कुछ बात करेंगे अहमद रियल एस्टेट के हवाले से, और उस पहले हम चलते हैं ब्रेक की जाने। हाँ, उसके बाद हम जाफरी रियल एस्टेट में है, जी बिल्कुल बताइएगा जरा। हाँ। he's a broker. I mean, आप इनको जरूर कॉन्टेक्ट करें अथर जाफरी को, और इनका नंबर है 6472089724। और रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हम तीनों काम करते हैं। तो जनाब, एक वक्त में अगर आप हमसे लिस्टिंग कराते हैं या हमसे परचेज करते हैं तो एक वक्त में तीन एजेंट मिनिमम आपके साथ लिए काम करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। अहमद, ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुस्लिम साहब के बारे में बताइएगा, ऑफ कोर्स वन स्टॉप शॉप है, RRSP, RESP और लाइफ इंश्योरेंस और मॉर्गेज कुछ भी। कॉल मोहसिन वाटू 416-500-6322। And he's a gold medalist too. You know, para champion hai ye aapke table tennis. To inko zarur inse rujoo kijiyega aur bahut aapko inshaallah apne profession se aapko fayda dila sakte hain. Ji. Aur uske sath sath fir abhi hum break pe jab jayenge aur uske baad jab wapas aayenge to aaj ki ek ahem mulaqat main aapko batlaunga. Okay. अच्छा, इन द मीन टाइम हमें नदीम अकबर साहब खटाना साहब के बाद शरीना बंधु ने हमें ज्वाइन किया। ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शरीना बंधु। और सादिया अंसार, हाय सादिया, ब्यूटीफुल पीपल, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बोर्ड, वी विल बी राइट बैक विद अ शॉर्ट ब्रेक, थैंक यू। जाना नहीं है, बिल्कुल। इंडिया बाजार, फ्रेश पिक्स, ऑलवेज फ्रेश fruits, vegetable, meat, groceries, dine-in and take-out, all in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar, this branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy, another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116, 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out, great place. India Bazaar.
optimal security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security. Your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. जी जनाब, स्टॉल बुकिंग स्पॉन्सरशिप के लिए इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में अगस्त 13 को अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए 6472732393 पे। तो हाँ अहमद, क्या मुलाकात, क्या किससे मुलाकात, क्या हुआ मुझे बताइए। जब मैं अपने अपॉइंटमेंट से वापस आ रहा था तो मैंने आपको फोन भी किया था रास्ते में आते आते, और आपने कहा कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप खाने के लिए लेते भी आए, लेकिन घर में ये चीजें बनी हुई है। नहीं यार, मुझे लग रहा था आपको बहुत भूख लग रही है, आप कुछ और भी खाना चाह रहे हैं। जो घर में बना था तो वही खाऊंगा, लेकिन फिर भी बहरहाल आते आते एक रेस्टोरेंट पड़ा रास्ते में, तो मैं वहां चला गया। वहां गया और मैंने वहां पर ऑर्डर दिया अपना जो कुछ लेना था। एक वहां पर रिकॉर्ड जनाब साहब आए, उन्होंने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया, और प्लेस करते हम दोनों ही थे रेस्टोरेंट में, और वो बैठ गए कुर्सी पे एक साइड पे और मुझे देख के मुस्कुराने लगे। उसके बाद कहने लगे कि आई एम सो टायर्ड। मैंने कहा ओह माय गॉड, लॉन्ग डे, वेरी लॉन्ग डे, एंड यू नो आफ्टर दिस लॉन्ग डे आई डोंट वांट टू कुक एट होम, सो आई केम हियर एंड आई सेड ओके लेट मी बाय इट। एंड देन बातें होने लगी, तो फिर बातें हुई क्या, कहने लगे कि देखिए कितनी महंगाई है, बहुत एक्सपेंसिव। व्हेन यू गो टू द ग्रोसरी द सेम अमाउंट यू पे, लाइक से उन्होंने जो ऑर्डर किया अपने खाने के लिए 40 तकरीबन $40 का उनका बना ऑर्डर, बट दिस लुक दिस $40 विल फीड मी, आई डोंट हैव टू कुक एंड दिस एंड दैट। और अगर मैं ग्रोसरी लेता तो मैं ग्रोसरी भी मुझे इससे महंगी शायद पड़ती, फिर मैं उसको पकाता, फिर उसमें टाइम भेजा लगता, फिर मैं और टायर्ड हो जाता, फिर और टायर्ड हो जाता, मुझे भूख मेरी उड़ जाती, फिर भूख कोई उड़ जाती तो फिर मैं बिस्तर पे चला जाता, शायद ना खाता, देखता रहा। तो कहने लगे मैं यही आ जाता हूँ जॉब से वापसी पे, यही से खाना ले लेता हूँ और मैं खाता हूँ। तो मैंने जब घर आके आपसे इसका तस्करा किया, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से सब आए थे, उन्होंने खा लिया, तो आपने परजस्ता क्या कहा। कहने ठीक है वो ग्रोसरी तो लेंगे। किसने कहा? मैंने कहा क्या, देखिए ग्रोसरी तो वो वहां से लेंगे, लेकिन देखिए वो अपने पसंद का तेल, अपने पसंद की चीजें, अपने पसंद के मसाले, वो सब डाल के एक हेल्दी खाना बनाएंगे। रेस्टोरेंट से लेकर के वो खाना लेके आए तो वही खाना खाएंगे, तो उसमें कितना तेल और कितना क्या क्या चीजें होंगी। मैंने दिल में सोचा कि यार मैं भी तो रेस्टोरेंट से लेके कुछ ना कुछ तो आए ही हूँ। लेकिन आप ऐसी चीज लेकर आए थे जिसमें के तेल नहीं था, और रोटी लाए थे आप। वो जो भी रोटी थी, तली हुई रोटी थी या जैसी भी थी, जो कुछ भी था, तेल तो जरूर रहा होगा, बिल्कुल बना होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लोग जो खाते यहाँ पर ख्याल किया जाता है काफी हद तक रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन फिर भी एक ऐसी बात आप देखिए कि वाकई सोचने की बात है कि घर के और कहते हैं ना कि घर के खाने की तो बात ही क्या है। और वही मैंने कहा आते हैं कि भाई घर का खाना तो फिर घर का खाना होता है, लेकिन देखें ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे नहीं कर मजबूर सकते, मजबूरी है, आसान दिन के थके हुए शाम को आकर के। तो बहरहाल लबिया सबकी हिफाजत फरमाए और रेस्टोरेंट वालों को तौफीक दे के अच्छे हेल्दी खाने बनाए। हाँ। यहाँ एक बात मैं ये करूंगी, आप जरा मुझे लेकर आए। जरूर, ये जी देखें, ये तो मैंने आपसे कहा कि वो खाना कितना हेल्दी होगा जो वो खुद पकाएंगे, लेकिन क्या होता है कि लोग फाइनेंशियली सोचते हैं ज्यादा, है ना, कि ओ इतना पैसा खर्च हो जाएगा। जाहिर है आप बिल्कुल हिसाब से तो नहीं सब्जी और रोटी और आटा खरीदेंगे, आप तो ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन और टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो मोर थकने की वजह से उन्होंने अपने आप को ये ट्रीट दिया।
मैं ये कह रही थी, मैंने उस पर एक बात और कही थी अहमद, मैंने ये कहा था कि देखें जो सालन हम घर में खाते हैं वही खरीदते हैं, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं पार्टी करने जाएं तो बिरयानी जो घर में बनती है वही बिरयानी हम बाहर खाते हैं, लेकिन उस बिरयानी में और घर की बिरयानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम कहते हैं ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल इस तरह का इस्तेमाल होता है, सुनते हैं वेजिटेबल ऑयल इज नॉट गुड, सोयाबीन ऑयल पता नहीं कौन सा नो गुड क्या है। तो रेस्टोरेंट वाले इस चीज का ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि उनको वो करना है। जैसा कि फास्ट फूड कहते हैं जो रेस्टोरेंट के खाने होते हैं ना, मैंने शुरू में ये बात की थी कि फास्ट फूड जो एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि फास्ट फूड आपको मौत की तरफ जो है जल्दी लेके जा रहा है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो बहर मुझमें और अहमद में एक चीज है, वो धड़ल्ले से कहते हैं। हाँ, अहमद में और मुझमें एक चीज है कि हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं बाहर का खाना, एंड वी डोंट लाइक आउटसाइड फूड। वो तो अहमद दाल भरी रोटी लेकर आए थे जिसके और अंदर उसके साथ दाल भरी रोटी होती है। क्या होता है वो? डबल्स। वो अच्छा नहीं था, डीप फ्राइड था वो, लेकिन देखिए कि मैंने नहीं खाया मैंने नहीं खाया। एनीवेज अहमद इतना वर्कआउट करते हैं तो बर्नआउट भी तो करते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं मैं सब नहीं खा सकती है मैंने क्या खाया, चलो मैं भी अपनी बातें बता दूं मैंने क्या खाया। जरूर बताइए। मैंने कीमा बनाया था, लैम का कीमा बनाया था, और मैंने दाल पकाई थी, वो मैंने भी खाया, और मैंने कीनवा चावल की जगह मैंने कीनवा बनाया wow, था that's good. और कीनवा में मैंने दाल और कीमा डाला और प्याज डाली उसके ऊपर, रेड अनियन काट के उफ, बहुत मजे का था। और मेरी बेटी ने बहुत पसंद है खाने के साथ। और मेरी बेटी ने हलीम बना के कल हमें दी थी थोड़ी सी, मैंने वो भी खाई। मैं खाने के साथ उमूमन सलाद जैसे होता है। अच्छा अहमद ने क्या खाया? मुझे रेडिश और ऑलिव बहुत पसंद है खाने के साथ। अहमद ने दाल भरी रोटी से पाया खाया जो आपने दिया मैंने खाया नहीं, मैंने तो सब कुछ सामने रखा था जनाब। खैर यू वर्क आउट सो यू बर्न आउट है ना। आपको इतना हक हो सकता है, लेकिन ऑफकोर्स जितना अहमद वर्कआउट करते हैं बहुत कम लोग करते हैं, और इसीलिए अहमद जो भी खाते हैं माशाल्लाह हजम भी होता है, बर्न भी होता है, और इट्स गुड फॉर हिज सिस्टम। अच्छा जी, अब मैं एक बात पूछने जा रही हूँ, पहले मैं टाइम देखूं क्या है। ओह 11:29 ठीक है। अच्छा नहीं, हम ये अगली दफा शेयर करेंगे आपसे, एक बड़ी मजे की बात शेयर करनी है, लेकिन वो बात जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो सैटरडे मॉर्निंग 11 AM पर हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे लाइव ऑन फेसबुक, और आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये मैं कहूंगी, अपने ट्रांटो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओलिविया चाओ जो कि बनी थी इमरजेंसी में, लेकिन वोटिंग के साथ आई थी, वो सेलेक्ट किया था, इलेक्ट हुई थी, तो उनके लिए फिर अब ये हो रहा है कि एक साल उनका पूरा हो गया, तो क्या वो अब जो इलेक्शन होंगे टोरंटो मेयर के, क्या वो उसमें आएंगी नहीं आएंगी? लेकिन हाँ, मोर देन 50% यानी 59-60% लोग जो है ना स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं कि वो ही आएंगे। काबू पाया है, काबू पाया है, और रिलेशनशिप भी अच्छे रखे हैं गवर्नमेंट हाँ, के साथ भी, हाँ, पब्लिक के साथ। लेकिन अहमद जब ये खड़ी हो रही थी तो उसी वक्त मैंने ये कहा था कि शी डिजर्व्स, क्योंकि शी विल बी द राइट पर्सन एज ए मेयर, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड जैक लेटन के साथ काफी अरसा गुजारा था, और जैक लेटन और वो मिलके बहुत अच्छे काम करते थे। आप याद है कि हमें दोनों को देख करके हमेशा जैक लेटन साहब कहते थे कि उनके हस्बैंड जस्ट फॉर यू, हाँ, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, अपनी बीवी की तरफ इशारा करके कहते थे अहमद द टीम ऑफ टू यू, मी एंड ओलिविया जस्ट फॉर यू। लेकिन उनकी बातें तमाम, मोस्ट ऑफ द बातें उनकी मुझे बहुत पसंद थी, और वो बहुत अच्छा दिल रखते थे, अच्छा दिल रखते थे। अच्छा, एक खातून को चार्ज किया गया है क्योंकि आजकल की गर्मी इतनी है, और जुलाई 1 को उन्होंने नॉट इन टोरंटो, ये बाहर का है, नॉर्थ अमेरिका की ही खबर है, उन्होंने 2 घंटे के लिए जुलाई 1 को इंतहाई गर्म दिन था जहां भी थी वो, और उन्होंने डॉग को गाड़ी में छोड़ा था और डॉग की डेथ हो गई, तो उस पर उनको चार्ज किया गया। और मेरा ख्याल है कि ये सही किया गया क्योंकि लोग ये समझते हैं ये तो जानवर हैं, एनिमल्स हैं,
कोई बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे. लेकिन नहीं, हमें हम ये इंसानियत को इसमें यूज करना चाहिए अपने. दूसरी चीज, एक एनिमल्स के बारे में बात हुई अहमद, तो मैं एक बात शेयर करूंगी, फिर आप रियल एस्टेट हाइलाइट्स को शेयर करेंगे. और मेरा एक सवाल भी है आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जनाब कहां पर पकड़ा गया है एनिमल्स की स्किन और एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, आते उसके अंदर ड्रग्स छुपा के स्मगल की जा रही थी बाय सी, और उसको पकड़ लिया गया है. और देखिए कि कैसे कैसे चीजें यूज करते हैं लोग, किस किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, ये तो एक बात हो गई. इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13 मेपल बैंक्वेट हॉल, मिसेस सागा अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की जानिब से आप सब लोगों को इनवाइट किया जा रहा है मेपल बैंक्वेट हॉल मिसेस सागा में 21st एनुअल इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे. अगर आप अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं, प्रमोशन एग्जीबिशन सेल या स्टॉल बुकिंग, 6472732393 पे कॉल करें. अहमद, क्या आपको ब्रेक करनी एक है? एक कमर्शियल की तरफ चलते हैं. अच्छा, मैं रियल एस्टेट आ रहा हूं. ओके, ठीक है, ठीक है. जस्ट वॉच, वी विल बी राइट बैक. बाइंग अ हाउस और सेलिंग अ हाउस, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko haqeeqat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey 416-704-0651. Buying a house. जनाब, आपने देखा ये कमर्शियल, ये हमारा कमर्शियल है रियल एस्टेट के बारे में. और रियल एस्टेट के बारे में आपको कोई कभी भी कोई मालूमत लेनी है, घर की खरीदो फरोख्त है, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, प्री कंस्ट्रक्शन जो है और एग्जिस्टिंग हो, कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में सर है, वी आर देयर फॉर यू. अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. और हमारे अथा जाफरी ब्रोकर, अथा जाफरी जो कि हम सब रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर एक ब्रोकरेज के साथ है, आप इनसे भी रुजू कर सकते हैं 6472089724. आज की मौजूदा मार्केट जो है वो क्या कहती है बताएं आप, मैं बता दूं आपको. लोग कहते हैं जी ये बायर्स मार्केट है. भाई सेलर नहीं होगा तो बायर कहां से आएगा? इट्स द सेलर्स एंड द बायर्स टू. देखिए, वो सेलर इस तरह से है कि अगर आपने अपना घर बेचने देखते हैं, आप कितने मार्केट में इस वक्त आ चुके हैं विद इन फॉर पास्ट फ्यू वीक्स. वजह ये है कि मार्केट इज अभी स्पेकुलेशंस हैं और अभी सिर्फ एक दफा ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है. ब्रिंग योर प्रॉपर्टी इन द मार्केट टू सेल, यस, और आप एक मुनासिब कीमत लगाइए आज के लिहाज से और थोड़ा सा फ्यूचर के लिहाज से भी. वो इस तरह से आप अपने अच्छे से एजेंट से रिव्यू कीजिए, टॉक टू हिम, क्योंकि द टाइम इज कमिंग. देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं हमें ये बेच के वो लेना है, वो बेच के वो लेना है. अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी, लेकिन मसला ये है कि इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्ट रेट को ज्यादा अरसे के लिए लॉक ना करें. इफ यू वांट टू सेल इट, और इफ यू वांट टू सेल इट लाइक इफ यू वांट टू बाय इट, डोंट लॉक योर इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इन द लॉन्ग रन विद इन अ ईयर टू इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली ड्रॉप होने शुरू हो रहे हैं और ड्रॉप होते चले जाएंगे बतदरीज, और प्राइजेस बढ़ती चली जाएंगी. तो आज से चंद महीने के बाद जब आप ये अपना घर हाई प्राइस में बेचेंगे तो आपको लेना भी हाई प्राइस पे होगा ना. तो माइट एज वेल आज जो आपको कीमत मिल रही है निगोशिएट करके आज अपने घर की मुनासिब कीमत आज लीजिए और आज के लिहाज से घर को खरीदिए. बेचना है तो दिस इज द थिंग, दिस इज द बेस्ट वे. खरीदना है तो यस, डोंट नॉट लॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर इंटरेस्ट रेट. आप क्लोजिंग लीजिए, थोड़ी सी लंबी लीजिए, और उसके साथ क्लोजिंग के साथ आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को एक शॉर्टर पीरियड के लिए लॉक करें या ओपन मॉर्गेज लें, जिसमें कि नो पेनल्टीज. मॉर्गेज लेते हो इस चीज का बहुत ख्याल रखिए कि आपकी पेनल्टी क्या पड़ रही है अगर आपको बेचना है, ठीक है, और उस लिहाज से फिर आपको
आप अपना घर खरीद सकते हैं और उसको लोअर रेट्स पे इन द फ्यूचर आप लॉक करा सकते हैं. दैट्स द बेस्ट वे. तो जनाब ये है हमारी आज की मार्केट. इट्स अ मिक्स्ड मार्केट है. आपको किस तरह से फायदा उठाना है इस मार्केट से, टॉक टू अस अहमद एंड शैलजा जाफर द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. एंड किसी भी प्रोजेक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है, जस्ट गिव अस अ कॉल. अहमद एंड शैलजा जाफर द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. और हमारे अथन जाफरी जो हमारे साहबजादे हैं, इज वेल ओवर 20 ईयर्स एक्सपीरियंस माशाल्लाह, इज अ ब्रोकर. गिव हिम अ कॉल 6472089724. So keep watching Show Team of Two Tea Talk and inshallah isi tarah se saath saath hum log chalte rahenge. Ji shayad ji bilkul big bhi hamare saath jud chuki hai. Thank you Rosa, thank you so much Rosa. Lekin ye ke hamare almost time ho chuka hai jaane ka, lekin ek concern hai mera jiske bare mein main baat kar lungi. क्योंकि देखिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना इस वक्त कनाडा में, उसके बारे में बात हो रही है कि साइट्स ढूंढी जाती हैं अहमद के कहाँ किया जाए उसको. जहां भी करेंगे जाहिर है उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके नुकसानात होते हैं, रेडिएशंस होती हैं. तो बहरहाल एक साइट उन्होंने चूज की है और वहां के लोग भी राजी हो गए. आई डोंट नो क्या रीजन थी कि लोग भी राजी हो गए. वो ये कहते हैं कि वहां पे जॉबें आएंगी, वहां पे घर बनेंगे, वहां के हालात अच्छे होंगे. लेकिन उन्होंने कहा है कि वहां पर ऑफ कोर्स रेडिएशन भी होंगी और ईयर टू ईयर जैसे जैसे होगा वो वेस्ट जो है ना रेडिएशन प्रोड्यूस करता चला जाएगा. तो इसलिए जो कंसर्न तो है. लेकिन अहमद मैं ये इसलिए शेयर को कर रही हूं कि क्या क्या और क्या कर सकते हैं हम. न्यूक्लियर वेस्ट बनता ही क्यों है, क्योंकि देखिए कि टेक्नोलॉजी वेस्ट कहने पर भी वो इतना नुकसानदेह हो रहा है. वेस्ट आपको पता है कि न्यूक्लियर वेस्ट इज द मोस्ट डेंजरस वेस्ट है और उसको अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को उसके साथ किया क्या जाए. तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबका जमान में हो, आप सबका स्पेस में जाके छोड़ दिया जाए ये तो फिर वो उसका भी इफेक्ट होगा. एवरीथिंग गोज अप एंड कम्स बैक. स्पेस में वो फ्लोटिंग करती रहेगी. आई डोंट नो कि क्या होगा उसका असर. लेकिन ये कि ये क्या चीज बना रहे हैं जो कि आपके लिए हमेशा हमेशा नुकसान दे. ऐसी चीजें बनती क्यों है, मैं ये सोचती हूँ बनती क्यों है ऐसी चीजें. इसलिए बनती है कि ये इजादात है एनर्जी के लिए. और कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है वो चीपेस्ट पावर है. लेकिन इसका जो वेस्ट है उसको संभालना, उसको डिस्पोज करना वो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है. लेकिन क्यों बनता है ये न्यूक्लियर वेस्ट, मुझे एक टेक्नोलॉजी है. आई थिंक क्यों बनता क्या का मतलब है. अगर ये नहीं होगा तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते. अच्छा चलें ठीक है, हम इसी बात पे अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं. क्योंकि मैं परेशान होती हूँ अपने साथियों के लिए कि कैसे होगा क्या होगा, इसलिए ऐसी बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं. अपना ख्याल रखें अहमद आप. अच्छा रियल एस्टेट हाइलाइट्स आपने बता तो दिया, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाह रही हूँ कि बताइए कि इसका क्या असर होगा. देखिए मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ लेकिन मैं लोगों के एक आम पब्लिक बन के सवाल पूछ रही हूँ कि कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्डोज की लिस्टिंग्स आ रही हैं और बायर्स भी मार्केट में फिर आने शुरू हो जाएंगे. लेकिन क्या ये जो कॉन्डोज की रेंटल इतनी हाई हो गई थी वो तो कम नहीं हो सकेगी, क्योंकि मॉर्गेज जितनी चढ़ी है जितना रेट है उसके हिसाब से आपके रेंटल भी जाता है. इस वक्त टोरंटो में जो कॉन्डो मार्केट है इज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. बहुत काउंटर्स है जो कि खाली है, बेतहाशा काउंटर्स बन चुके हैं. और इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट करना, और ये आएगा वक्त क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होंगे लोग दोबारा से जाएंगे और टोरंटो में जीटीए में लोग इन्वेस्टमेंट करना फिर से शुरू करेंगे. तो ये वक्त जैसा आता है वैसा जाता है फिर आता है. रियल एस्टेट इज सच सिंपल एज दैट. तो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने ये एक खबर भी दी थी कि बहुत सारे बायर्स भी मार्केट में आने वाले हैं. तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो लोग खरीदने के लिए सोच रहे थे कि बहुत से बायर्स मार्केट में आए,
आप पहले स्टेप इन होकर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लें, क्योंकि जब बहुत सारे बायर्स मार्केट में आएंगे तो फिर प्राइजेस डिफरेंट हो जाएंगे. क्या ख्याल है अहमद? जाहिर है ना, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना. तो एनीवेज, अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, अथर जाफरी ऑल्सो विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. तो अगर कुछ भी आपको खरीदना है, बेचना है, तो आप 416-500-6322 पे कॉल करें, या आप 647-208-9724 पे कॉल करें. बट एट अ टाइम 3 एजेंट्स आर विद यू, सो यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू हैव अ बेटर वर्किंग कंडीशन विद एजेंट्स, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग विद वन एजेंट, यू आर वर्किंग विद 3 एजेंट्स एट अ टाइम. ओके अहमद, खुदा हाफिज करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. तो जनाब, इस नोट के साथ के, हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो, व्हाई? बिकॉज़ आई सेड सो, कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स ऑनेस्टली. और आजकल तो समर है, बहुत आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, वर्कआउट खुद ही हो जाएगा. और इंशाल्लाह कीप वॉकिंग, जॉगिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, व्हाटएवर इट इज, वेट लिफ्टिंग, बहुत सी चीजें जो भी आपको सूट करती है, और आप उससे फायदा उठाएं. और उसके साथ साथ रियल एस्टेट के बारे में कभी कोई मालूमात लेनी है, कोई घर की खरीदो फरोख्त है, कोई जनाब किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हिस्सा लेना है, प्री कंस्ट्रक्शन है, एब्सोल्युटली नो वरीज, नो प्रॉब्लम. वी आर एक्सपर्ट्स इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शैला, अथर जाफरी, और हम लोग जो है आपकी भरपूर खिदमत करेंगे और करते रहे और करते चले जाएंगे इंशाल्लाह, एज लॉन्ग यूर विद अस. 416-704-0651 is the number to call. Ahmed and Shahla Jaffrey, the team of two just for you. Our Sahabzade, Athar Jaffrey, 647-208-9724. Humse mulaqat kijiye. Hamara office Mississauga mein hai, Square One ke bilkul kareeb hai. To Remax Real Estate Center Inc. Brokerage, call us 416-704-0651. Doon ke saath ke parwardigar aalam आप लोगों से जिंदगी और खुशियां नसीब फरमाए, आप लोगों की दिली मुरादें, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात पूरी करें रब्बुल इज्जत, आप लोगों के तमाम मसाइल का खात्मा बिल खैर करें, और हर मुश्किल से आप लोगों को नजात दिलाए, और आपके इनकम में बहुत इजाफा करे, खूब बरकत दे. हमें भी अपनी दुआ में शामिल हाल रखे. इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी सुबह 11 बजे जनाब ईस्टर्न टाइम. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. नासिफ़ बिल्कुल, मुझे भी खुदा हाफिज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे जनाब. सैटरडे मॉर्निंग हमारी आपसे मुलाकात होगी, और हम 11 AM शार्प पे आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, है ना. तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए खूबसूरत सेगमेंट ऑफ शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आते रहेंगे. चाय पे बुलाते हैं हम आपको, ताकि चाय पे हम बातें कर सकें. इवेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, August 13th ट्यूजडे का दिन होगा, मेपल बैंक्वेट हॉल में सिसागा में. काउंटडाउन इवेंट, काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन इज एट द राइट टाइम विद द केक कटिंग सेरेमनी एंड काउंटडाउन. पूरी फैमिली के साथ इसमें शामिल हो. कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कीजिए 6472732393 पर. अपना ख्याल रखिएगा, और बस पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीना है, खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, मुस्कुराते रहिए. तमाम दुआओं के साथ अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपसे कहते हैं खुदा हाफिज और शब बखैर. और ठीक साथ ही आपको जमीला पहले जही ने हमें कहा है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जमीला, हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है और आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी था, तो खुदा हाफिज के बावजूद भी हमने आपको रिकॉग्नाइज किया. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. थर्सडे की टाइमिंग शाम को 10:30 और सैटरडे को सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइमिंग. ज्वाइन अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. शाला ने तो अल्लाह हाफिज कर ही दिया आपसे, मैं भी दोबारा से.